पिछले दिन तक हमने क्या पढ़ा था कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट रोड डेवलपमेंट और डिफरेंट हाईवे डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या क्या था, प्रेजागवेट कंस्ट्रक्शन, टिलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, मैकाडम कंस्ट्रक्शन एंड रोमन कंस्ट्रक्शन। आज हम पढ़ेंगे हाईवे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाईवे कैरेक्टरिस्टिक्स, हाईवे कैरेक्टरिस्टिक, इसे आप एडवांटेज ऑफ हाईवे भी बोल सकते हो, CJRS कैरेक्टरिस्टिक्स, हाईवे कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज ए कॉमन मोड, इट इज द मोस्ट, इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप देख सकते हो, आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, पहले आप एक रोड और हाईवे को ही यूज़ करते हो, उसके बाद और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ करते हो। आप सोचिए कि आप अगर रेलवे को एक्सेस करना चाहते हो एज ए ट्रांसपोर्टेशन मोड, तो पहले आपको जाना पड़ेगा हाईवे के ज़रिए, उसके बाद आप रेलवे को यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही एयरपोर्ट हो, वो पोर्ट जो कि शिप वगैरह जो पोर्ट से जो चलता है, वो सब कुछ सबके लिए भी पहले आपको हाईवे को ही यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जाना पड़ेगा। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या है, मतलब इसका जो एडवांटेजेस है उसके अंदर ये है, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ लो, इनिशियल कॉस्ट इज लो, पहले बात। उसके बाद आएगा इट ऑफर्स ड्राइवर टू शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट फ्रॉम वन लेन टू अनदर लेन इजिली। EASILY, इसके मतलब क्या है, जो इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम है बाकी के तुलना में। रेलवे के कंस्ट्रक्शन करने के समय में आपको स्लीपर, रेलवे बैलास्ट वगैरह सब कुछ लगेगा, बट हाईवे कंस्ट्रक्शन के समय में उतना कॉस्ट नहीं लगेगा। और ड्राइवर एक लेन से दूसरे लेन पर इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, पर रेलवे के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक लेन में जा रहे हो और तुरंत आप दूसरे लेन में चले जाए और दूसरी डायरेक्शन में चले जाए, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, हर जगह पे नहीं कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग चाहिए, उसके ज़रिए आपको ये करना पड़ेगा। पर हाईवे के लिए ऐसा कोई बात नहीं है, आपको चाहिए तो आप कभी भी एक लेन से दूसरे लेन पर जा सकते हो, हालांकि एक्सीडेंट की डर रहता है, पर आप अगर थोड़ा ध्यान में रखें तो आपका ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हो, पर रेलवे के लिए आप हर जगह पे ये नहीं कर सकते, ठीक है। इट ओनली ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस, ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस। आजकल तो बहुत ये रिलेटिव है, क्योंकि आप देख सकते हो आपके घर में अमेजोन वगैरह सबका जो पार्सल आ जाता है घर पे, ये तो रेलवे के ज़रिए पॉसिबल नहीं था ना। आपका आप सोचिए, आपके पास आपके घर से रेलवे कितने दूर है, पर आपके घर में पार्सल आ जा रहा है हर दिन, कभी भी आप अगर ऑनलाइन से शॉपिंग कर रही है, ये किसके ज़रिए हो सकता है, एकमात्र उपाय है हाईवे के ज़रिए। और क्या है इसके अंदर, इसका बेनिफिट, इट कैन एकोमोडेट डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल एट ए टाइम, ओके, बस, टैक्सी और बाईसाइकिल, इवन पेडिस्ट्रियंस आर ऑल्सो यूज एट द सेम टाइम, व्हीकल एट द सेम टाइम, एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है, ठीक है। और इसके अंदर बेनिफिट क्या हो जाता है, इट सेव्स टाइम्स, इट इट इन शॉर्ट डिस्टेंस इट सेव्स टाइम्स, ओके, इन ए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल
इट सेव्स टाइम, ये सब हमारा हाईवे का बेनिफिट है। अब हम डिफरेंट जो रोड डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडिया में, उसका क्रोनोलॉजिकली एक के बाद एक यार के साथ डील करेंगे, जो कि मेरे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट हम देते हैं, मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, पहले हम कहाँ से शुरुआत करें? 1865 से शुरुआत करें, ठीक है? 1865 से, 1865 PWD वॉज फॉर्म्ड बाय लॉर्ड डालहौसी। ओके, देन 1927 में जयकार कमिटी वॉज फॉर्म्ड, जयकार कमिटी वॉज फॉर्म्ड। इतनी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जयकार कमिटी। 1928 रिकमेंडेशन ऑफ जयाकार कमिटी। क्या क्या रिकमेंडेशन था, थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं। रिकमेंडेशन टेशंस रिकमेंडेशंस, पहला था रोड डेवलपमेंट डेवलपमेंट कंसीडर्ड एज ए नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है? और दो, एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिव्ड, LEVIED, लिव्ड ऑन पेट्रोल। यहीं से हमारा हुआ था सेंट्रल रोड फंड का इनिशिएशन। यही जो रिकमेंडेशन था, इसके ही कॉन्सिक्वेंस था सेंट्रल रोड फंड, ठीक है? सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बॉडी शुड फॉर्म्ड। इसी का जो कॉन्सिक्वेंस था, उसके लिए ही IRC फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है? नंबर फोर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉर्म्ड। यही का जो कॉन्सिक्वेंस था, वो था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाद में हुआ था, ब्रीफ कर रहे हैं हम। और एक था लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम, इम्पोर्टेंस टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम GREME। और इसी की वजह से हमारा 320 ईयर्स रोड प्लान, इसी का ही एक यही जो रिकमेंडेशन था, उसका ये कंसिक्वेंस था। तो हमने कौन कौन से ईयर तक पढ़ा अभी तक? 1865, 1927 एंड 1928 तक। 1929 में सेंट्रल रोड फंड,
बस इतना ही लिखूंगा, ठीक है। सेंट्रल रोड फर्म वॉज फॉर्म्ड, ओके। देन 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस, ओके, इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि एक सेमी ऑफिशियल GRESS टेक्निकल बॉडी, जो कि हमारा जयकर कमेटी का ये थर्ड जो रिकमेंडेशन में हमने लिखा था IRC, ये सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी, वही फॉर्म हुआ था 1934 में। उसके बाद 1939 एक ईयर है, 1939 में फॉर्म हुआ था हमारा मोटर व्हीकल एक्ट, जिसे को हम सेंट्रल रोड फंड को CRF शॉर्ट में कहते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस को IRC कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट, मोटोर VEHICLESCTMVA, मोटर व्हीकल एक्ट 1943 में फर्स्ट, ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहा जा रहा है 320 रोड प्लान, उसका फर्स्ट जो रोड प्लानिंग हुआ था वो था नागपुर कॉन्फ्रेंस में, नागपुर रोड प्लान जो था 1943 टू 63 तक के प्लान हुआ था 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। नागपुर, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी भी करेंगे, तीन जो 320 रोड प्लान था उसके बारे में कंपेरेटिव स्टडी भी हम करेंगे तब। अभी नागपुर कॉन्फ्रेंस लिख रहे हैं हम, नागपुर कॉन्फ्रेंस, इसके बाद 1950 में जयकर कमेटी का और एक रिकमेंडेशन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फॉर्म हुआ था इंस्टीट्यूट CRRI, ओके। 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट, NHA शॉर्ट फॉर्म को बाद में लिखेंगे, नेशनल हाईवे एक्ट NHA। उसके बाद हुआ था 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड फॉर्म हुआ था, हाईवे रिसर्च बोर्ड, ओके, HRBB। 1978 में NTPC फॉर्म हुआ था, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमिटी, TINAL, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमिटी, NTPC, ओके। 1988 में फॉर्म रिवाइज हुआ था, नेशनल हाईवे एक्ट जो था उसको रिवाइज करके किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, TINAL, नेशनल हाईवे, AUTH, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, NHAI। और उसके बाद 2000 में NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये फॉर्म हुआ था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ओके। इसके ही अंदर, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर 7 स्टेजेस था, इट हैज 7 स्टेजेस, ओके, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर 7 स्टेजेस था, वो कौन कौन से स्टेज में क्या क्या हुआ था हम बता रहे हैं, हम थोड़ा सा जगह ईच एंड एवरी पेज में इतना जगह खाली रखते हैं, क्योंकि अगर फर्दर जे शॉर्ट नोट के अंदर कुछ एडिशन करना हो तो नीचे वाले पोर्शन में हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब भी 20% टू 30% जगह आप खाली रखिए, अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो आप बाद में यूज़ कर सकते हो। 7 स्टेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज में हुआ था गोल्डन कोस्ट
क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज के अंदर हुआ था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो क्या था, एक मिनट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक रोड डेवलपमेंट किया गया था जिसका नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि दिल्ली यहाँ पे है चेन्नई और यहाँ पे है कोलकाता और यहाँ पे है मुंबई, इसके अंदर एक रोड डेवलपमेंट किया गया था। यहाँ पे था NH2 यहाँ पे NH4 टू का डबल या फिर NH5 और इसका डबल नहीं होगा NH8, ऐसे ही हम भी याद रखते हैं, आप भी याद रखिए, ठीक है। चारों जो हमारा सिटीज़ है इस सीरीज़ को कनेक्ट करने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसका लेंथ था टोटल जो लेंथ था ये चारों हाईवे का 5,846 किलोमीटर और इसका नेम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक मिनट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ओके। और सेकेंड स्टेज में ऐसा ही एक कुछ हुआ था, पर वो कुछ डिफरेंट जगह के बीच में, स्टेज टू सेकेंड स्टेज, ओके, सेकेंड स्टेज में हुआ था ये। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ था, उसका नाम था नॉर्थ साउथ ईस्ट टू वेस्ट के, नेम लिख रहे थे पहले, नेम नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वो था, हम कहते हैं ना वो चेन्नई एक्सप्रेस का गाना था, मैं कश्मीर तू कन्याकुमारी, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रूट था वही है, ऐसे ही याद रखने का, ठीक है। एक है श्रीनगर जो जम्मू जे एन के अंदर पड़ते और कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी जो साउथ इंडिया के एक जगह के नाम है कुमारी, और यहाँ पे है श्रीनगर, ठीक है। और ये जो रूट, अच्छा दूसरा देख लेते हैं, और था एक सिलचर जो असम का एक जगह की नाम है सिलचर, पोरबंदर जूराट के साइड का कुछ कोई इलाका होगा सिलचर, और ये है पोरबंदर, ठीक है। इसका जो ये हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, हम इसे ऐसे लिख रखते हैं लॉन्गेस्ट क्या था ये NH44 ये था, ठीक है। और ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह का नाम है झांसी, हाँ रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है झांसी, यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। और जो NH है पोरबंदर तो सिलचर के अंदर, वो है NH27। तो आप पूछ सकते हो कि लॉन्गेस्ट हाईवे तो NH44 है, तो शॉर्टेस्ट हाईवे क्या है, शॉर्टेस्ट है NH47 है, शॉर्टेस्ट है NH, एक जस्ट स्ट्रेच है 47 है, 100-200 मीटर का होगा शायद, तब मैंने गूगल किया था। और एक भी चीज़ है, इसका लेंथ है पहले बारी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से बहुत ज़्यादा, जो कि है 7,300 किलोमीटर लेंथ हो रहा है इसका 7,300 किमीज, ओके। थर्ड स्टेज में क्या हुआ था, थर्ड स्टेज जो कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आपके क्वेश्चन तो वो पहले दो स्टेज से ही आएगा। थर्ड स्टेज में था थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। ये तीनों स्टेज में क्या हुआ था, फर्दर डेवलपमेंट कुछ डिस्टिंक्टिवली नहीं डेटा है हमारे पास, डेवलपमेंट
ऑफ नेशनल हाईवे, ऐसा ही हमको न जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सिक्स स्टेज में होगा डेवलपमेंट ऑफ द एक्सप्रेस वे, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेस वे। और अंत में जो सेवन स्टेज था उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन नेटवर्क्स नेटवर्क्स। ठीक है, यही हुआ हमारा जो रोड डेवलपमेंट था। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा। हम एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश कर रहे थे आपको। अब एक नोट के फॉर्म में बनाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, जितना भी पढ़ा अभी तक हमने उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए थोड़ा कलर फलर कर दिया हमने। हाँ, हाईवे कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप देख ही सकते हो, आपके घर के अंदर रेलवे तो नहीं है, शुरुआत में हाईवे ही है। तो इसीलिए हमने कहा कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनिशियल कॉस्ट इज़ लो। मतलब जो इनिशियल कॉस्ट इसका कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही कम है। इट ऑफर्स ड्राइवर टू शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर लेन इजिली। आप किसी भी लेन में, अगर टू लेन या फोर लेन हाईवे है तो आप किसी भी लेन में कभी भी जा सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, जो कि रेलवे के लिए उतना आसान नहीं है। उसके लिए डिफरेंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग चाहिए। इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस। मतलब आपका जो भी होम डिलीवरी है वो एकमात्र इसी से ही पॉसिबल है, हाईवे के जरिए। अच्छा, इट कैन एकोमोडेट डिफरेंट व्हीकल्स एट द सेम टाइम। आप तो देख ही चुके हो कि बहुत तरह की व्हीकल एक हाईवे के अंदर चलता है, तो इसी वजह से हमने ये पॉइंट लिखा। और इन ए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इट सेव्स टाइम। अगर आपको मान लो कि 200-300 मीटर जाना है, आप अगर एक रेलवे को यूज़ करोगे तो उसका कोई टाइम बाउंडिंग रहेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर हाईवे के अगर एक्सेस करो तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया क्या हुआ? 1865 में हुआ, PWD वॉज फॉर्म्ड बाई लॉर्ड डलहौसी। 1927 में जायकर कमेटी फॉर्म हुआ था। 1928 में उसका रिकमेंडेशन आया था। ठीक है, रिकमेंडेशन में क्या क्या था? रिकमेंडेशन के अंदर था रोड डेवलपमेंट कंसिडर्ड एज ए नेशनल इंटरेस्ट। रिकमेंडेशन के अंदर क्या था? रोड डेवलपमेंट कंसिडर्ड एज ए नेशनल इंटरेस्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी रहेगा, वो ही इसको देखभाल करेगा। ठीक है, एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेव्ड ऑन पेट्रोल, जो कि सेंट्रल रोड फंड बाद में ये इसी का कारण से हुआ था। ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड फॉर्म, इसी के कारण IRC हुआ था। ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉर्म, इसी के कारण से CRII, मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ था। और गिव इम्पोर्टेंस टू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम, और इसी वजह से हमारा 320 ईयर्स रोड प्लान हुआ था। ठीक है, 1929 में क्या हुआ था? सेंट्रल रोड फंड। 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस फॉर्म हुआ, जो कि इसी का रिकमेंडेशन का एक कॉन्सिक्वेंस था, इंडियन रोड कांग्रेस 1934 में। 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट हुआ था। 1943 में नागपुर कॉन्फ्रेंस, ओके। 1915 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमने बोला था कि जायकर कमेटी का ही एक रिकमेंडेशन था, उसका ही कॉन्सिक्वेंस था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट। 73 में हाईवे रिसर्च बोर्ड। 1978 में नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी। 1988 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2000 में नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इट हैज सेवन स्टेज, हम लोग को पहले ही पता, मैंने बोला था इट हैज सेवन स्टेजेस। क्या क्या स्टेज था? फर्स्ट स्टेज के अंदर हुआ था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसका लेंथ था 5846 किलोमीटर। वो किस किस के बीच में था? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। NH2 दिल्ली कोलकाता के बीच में, मुंबई के बीच में उसका डबल, NH4 मुंबई टू चेन्नई टू मुंबई, NH5 कोलकाता चेन्नई के बीच में उसका डबल नहीं हुआ, डबल से दो काम है, NH8 मुंबई से दिल्ली। यही से ऐसे ही आप याद रखिए, 2 उसका डबल, 4, 5 उसका डबल नहीं होगा, उससे दो काम होगा। मतलब 4 का डबल होता 8, पर अब 5 का डबल 10 होता था, बस दो काम है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, सेकेंड स्टेज के अंदर क्या है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, लेंथ 7300 किलोमीटर। वो किस किस के बीच में है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये है हमारा देश का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, वो है नेशनल NH44। और एक पोरबंदर टू सिलचर, उसका जो हाईवे है NH27, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो झांसी में होता है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट हाईवे
जस्ट नॉलेज पर्पज है NH-47A। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेज में फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल हाईवे, सिक्स स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेस वे एंड सेवन स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ अर्बन नेटवर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।